जोहार आपन देखत हो News 36 और स्वागत है आप मन के हमर अपन कार्यक्रम हमर पहुना मा। हमर पहुना के आज के हमर कार्यक्रम मा पहुंचे हुए है फिल्म ससुराल के टीम और वो टीम मा अभी जो हवे मोर संग हवे सोनाली सहारे जो कि एक बेहतरीन अदाकार है और संगे संग जबरदस्त एक्टर प्रदीप शर्मा हमर बीच मौजूद है। आज उखर का ना गोल्ड बात करबो, उखर फिल्म के बारे में जाने के प्रयास करबो कि का कुछ आप मल्ला ये फिल्म में देखे पर मिली। सबसे पहले तो आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है News 36 के स्टूडियो में। धन्यवाद। सोनाली आप मन लीड एक्ट्रेस हो ये फिल्म में ससुराल फिल्म, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक मन ये जानना चाहिए कि ये जो फिल्म है ससुराल फिल्म वो कौन तरह की फिल्म है, आप मन की जो बाकी फिल्म आए हैं वो मन से कौन तरह से अलग है। सबसे पहले तो जय जोहार। और ये फिल्म ससुराल फिल्म जो कि काली 3 जनवरी के रिलीज हुआ थे, तो ये फिल्म अलग मतलब बहुत ज़्यादा अलग है। काबर के अभी तक इतना रोमांटिक फिल्म मतलब पूरा लव स्टोरी बेसिक अपन देखे रहे हो और ओकरे से बहुत ज़्यादा हटके पूरा घर घर के मतलब घर घर के कहानी जेमा अपन ला हर एक घर में जो नोक झोंक होते थोड़ा बहुत इधर उधर ये वो, तो हर चीज़ अपन ला देखे ला मिली ससुराल पिक्चर में। जी बिल्कुल, मतलब कि एक लड़की जब ससुराल जाते तो ससुराल जाए के बाद कौन तरह के एक माहौल उला मिलते वो सब पूरा बताया गया और संगे संग जबरदस्त स्टोरी के उमा समावेश करे गए। प्रदीप जी आप मन से मैं जानना चाहूँ कि आप मन ये फिल्म में कौन तरह के किरदार निभाता हो। इसे तो ट्रेलर हम देखे उमा स्पष्ट नजर आ चुके हैं कि आप मन एक पिता के कैरेक्टर में हो, लेकिन फिर भी और जानना चाहबू कि आखिर कौन ढंग ले आप मन अपन कैरेक्टर लो में सजाए हो। सबसे पहली आपके चैनल ला मैं साधुवाद देता हूँ कि आप मन हम कलाकार मन ला ऐसी जगह में हमर प्रमोट कर हमला प्रमोट करता हूँ कि जनता टाइम तक आते और छत्तीसगढ़ के जम्मो जनता ला और मैं अभी आप मन के शहर बिलासपुर में आया हूँ, बिलासपुर के जम्मो दाई दादा भाई बहनी कका फूफी मतलब सबला अनुरोध करता हूँ कि काली 3 तारीख के हमारे फिल्म ससुराल लगा थे और आप आपके पूरे टीम ला भी मैं इनवाइट करता हूँ कि हमारे फिल्म में देखो और बहुत बढ़िया फिल्म है। हाँ प्रकाश जी आप पूछे हो कि मैं इस फिल्म में क्या काम कर रहा हूँ, मैं लगभग 158 फिल्म में काम कर रही हूँ, 157 नंबर की फिल्म और ससुराल जी है। तो ये फिल्म मुला कॉमेडी इंडिकेटिव सीरियस रोल करत करत जनता देखे मुला बहुत मजा मिले और ये फिल्म में मोर एक बहुत सीधा संस्कारी और किसान के रोल है। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार करण खान जी जगह संग में 5 फिल्म कर रही मोर 5वां फिल्म भी से मैं पिता के रोल कर रहे हूँ और सोनाली जी ये फिल्म में मोर बहू बने और कैसे बहु बने हैं तो पर्दम देखी है ना जी बिल्कुल कैसना बहु बने हैं पर्दम देखी का होते हैं कि मैं एक मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय के बीच वाले किसान हूँ और मोर घर में एक बड़े घर के बहु है सोनाली जी आ जाते और हमार संयुक्त परिवार विघटन परिवार में ऐसे जर्क लगते हुआ जी जी जी, तो ये ऐसे ताना बाना है और फिल्म में मोर एकदम अलग हट के रोल है जी बिल्कुल हट के रोल है। और जब भी आपन दर्शक मन के बीच में आता हो एक अलग तरह के किरदार में ही आता हो, मुझे याद है आपन जब झनफूलो माँ बाप में आए रहो तो वो जो कैरेक्टर रहे से आपन के ओला दर्शक मन बहुत ज्यादा पसंद करे रहे। वो मैं तो छत्तीसगढ़ के निर्देशक सतीश जैन जिला में प्रणाम करता हूँ और दिल दिमाग आत्मा से होकर ऋणी हूँ कि मोर पहली फिल्म रही से झनफूलो माँ बाप उन्होंने चंदक दादा गेंदलाल के रोल करे गेंदलाल और वो मतलब सिल्वर जुबली फिल्म बिलासपुर में हुए जी जी बिलासपुर में हुए और फिल्म से हिट हो गया मतलब फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कॉमेडी एक्टर के अवार्ड बिल्कुल। और वो जो स्वर्गीय आशीष सेंद्रे जी है उनकर बीच के जो आपन के संवाद रहे से वो जबरदस्त रहे से कमाल के आर्टिस्ट रही से आशीष सेंद्रे भाई ओला खोके छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री ला बहुत दुख हुए तकलीफ हुए और ऐसे कलाकार बार बार नहीं मिलते जान बोलो कमाल काम करे जी जी बिल्कुल। भले ही आशीष सिंद्रे जी हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन आज भी उखर जो छाप है वो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में नजर आते। बात करो फिर से हमन ससुराल फिल्म के बारे में सुनाली, तो आप मन से मैं जानना चाहूँ कि जब आप मन ये फिल्म लग करत रहे हो तो कौन तरह के दिमाग में चलत रहे से आप मन कहाँ सोचते हो, जब एक लड़की है ससुराल जाते तो कौन तरह की परेशानी के सामना वाला करे पड़ते या फिर का बात के सावधानी वाला रखना चाहिए ताकि कि ससुराल और मायका जो हवा है दोनों के बीच एक परस्पर सामंजस्य बने रहे। जी
एकर बार तो एक ही है कि जैसे लड़की अपन मायके में इतना खुशी से हंसी से हर चीज ला मतलब क्या बोलते उसको सब हक के साथ में, अच्छा हक के साथ में अपन माँ बाप ला अपन बोल सकते उतना फ्रीली फ्रीडम वो अपन ससुराल पर महसूस नहीं कर सके। अच्छा हाँ तो ओला वैसे रहना चाहिए काबर के ससुराल एक ऐसा उसका घर होते जेमा वो मतलब अपन आपला वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए जी। ठीक है और यहाँ पे इस ससुराल में तो ये दिखाया गया है कि एक रिच फैमिली की लड़की एक ऐसे घर में चली जाती है जेमा वो अपन आपला एग्जिस्ट नहीं कर पाए। अच्छा हाँ नहीं बिल्कुल आओ, वो जो ट्रेलर है उखर माध्यम से जो महू समझ पाया एक तो वो सीन नजर आते जेमा का होते कि अपन के सहेली मन वहाँ आए रहते तो वो करण खान के जो घर होते यानी हाँ। कि प्रदीप शर्मा जी, जी, जी के जो घर है ओखर मजाक उड़ाए जाते कि ये कैसे हाँ। गाय गरुआ वाले घर में ले आया है तो फिर करण खान ला बहुत ज्यादा गुस्सा आते तो ओखर माध्यम हाँ। से ये तो पता चल गए कि सही में जब एक बड़े घर की बेटी है जब एक छोटे घर में जाते तो ये सब जो समस्या है वो आते भले ही स्वयं वहाँ अपन मन ला समझा ले लेकिन जो ओखर आस पड़ोस के है ओखर सराउंडिंग जितका भी ओखर दोस्त यार है तेन मन ला कुछ न कुछ दिक्कत रही थे कैसे प्रदीप। और वही चीज ससुराल पिक्चर में भी दिखाए गए हैं कि मैं तो जैसे तैसे एडजस्ट करने में करने के लिए तैयार हो मतलब अपन आपला करत रहते हो ओखर बीच में डायरेक्ट मेरे सहेली लोग आ जाते और वो मतलब कुछ ऐसा कह देते कि जेला मोर सास होते बोला नौकरानी कह के कहते और अच्छा। साथी में मोर पतीला भी कहते और पूरा मतलब हर चीज ला देख के वो नहीं ऐसे घर में तुम रहती हो ये वो चीज मतलब इस तरह से निगलेक्ट करते हो वहाँ के बहुत ज्यादा और वही चीज मोर पतीला पसंद नहीं आए और बाद में वो बहुत ज्यादा फिर वो मुझे डांट देते हैं और साथ ही में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जी 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 और खैर वो पति पत्नी के बीच में ये सब थोड़ा बहुत नोक झोंक तो चलत रही थे प्रदीप जी और ज्यादा अच्छा से जाने में बहुत अनुभवी व्यक्ति है लेकिन प्रदीप जी मैं यही बात में फिर से और जोड़ना चाहता हूँ ऐसे कहे जाते कि समाज के आईना होते फिल्म और जो अभी ससुराल फिल्म के माध्यम से लोगन नजर आई वो यही आई कि कैसे एक लड़की है जब ससुराल जाते तो कैसे उखर जिंदगी है बदल जाते लेकिन उखर संगे संग जब एक नवा बहू है घर में आते तबोले एक घर में एक नयापन आते तो जब एक बड़े घर की बेटी है आप मन के घर में आई से तो क्या कुछ बदलाव आई से आप मन के घर में। हमारे घर में जब बहू आते हम ये कोशिश करते कि हमारे घर के बात बाहर में जाए आदमी औरत के बीच में नोक झोंक होते दो बर्तन भी टकराते तो दो बर्तन टकराते देखकर मतलब ये नहीं बाहर फेंक दे जाए है ना जी तो ओला संभाल के रखना चाहिए। हम कोशिश करते हैं ये सोनाली जी बहू के रोल कर रहे हैं घमंडी बहू के रोल कर रहे हैं बहुत बेहतरीन अभिनय करे जब जब ये हमला दिखते हुए कि एक गलती है और बाद भी मैं अपन लड़का गलती निकाल देता हूँ मैं अपन मिसेस की गलती निकाल देता हूँ मैं अपन अच्छा। बेटी की गलती निकाल देता हूँ फिर ऐसे कहता हूँ कि एक कर संग कैसे भी करके एडजस्ट करो और इला अपन उसमें एडजस्ट कराओ और ससुराल फिल्म तो प्रकाश जी सीधा सीधा क्लियर हो जाते कि जैसे हर आदमी चाहते कि मोर बेटी अगर कोनो घर में बहू बन के गए तो ओला मैं ऐसे संस्कार दूँ कि वो घर में जाके ओला स्वर्ग बना दे जी। और मोर घर में जन बहू बन के आई तो मोला भी ऐसी उम्मीद रही थी कि मोर घर में अब बहू आए तो मोर घर ला स्वर्ग बना दे है ना अब आगे जाके हम सियान हो गो है ना तो हमारा नाम ला कौन रोशन करी यही मान लो तो करी लड़का मान लो सही बात है ना तो वही सब सिखात करत 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 ये फिल्म चलते और हम तो बोलते हैं कि दर्शक मान ला अनुरोध करते कि हमारे फिल्म में एक पारिवारिक सामाजिक फिल्म है इसमें ये दिखाया गया है कि इमें जतका कुछ गलत चीज है परिवार के विरोध में जो चीज है बोला हमारे थिएटर में छोड़ दो भाई और जतका अच्छा चीज है जेकर परिवार विघटन परिवार हो गए तो ये फिल्म देख कर वो संयुक्त परिवार में बोला परिवर्तित कर सकते हैं। कहे का मतलब ये है कि आप मन के ये जो फिल्म आते हैं ससुराल वो समाज ला एक संदेश दे के भी काम जी, 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 और एक बात जो मैं कहना चाहूँ दर्शक मतलब एक बहुत ही सुंदर सा डायलॉग है जो ट्रेलर के अंत में बोले गए है कि ससुराल के 100 दुख ला सहे जाते
मुरीज डायलॉग है, आपे मन के डायलॉग है। ससुराल के 100 दुखला सहे जाते लेकिन मायके के एक बात है बड़ भारी होते है। सोनाली आप मन के राय जानना चाहूं एमा। जी हाँ, राय तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि और ये सही भी है, कबर के मैं तो अपन ससुराल तो नहीं गया हूँ बट ये पिक्चर में मैं ससुराल के पूरा अनुभव कैसे बहु बनना है। जी ये अच्छा है, ये निर्देशक मतलब क्या बोलते हैं, धन्यवाद है। तो जो एक फिल्म के निर्देशक है प्रभास मानिकपुरी, ओला हमन धन्यवाद देते हैं, पहले से सोनाली के प्रैक्टिस कराते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस और सबो चीज ला मैं एक एक बार का ही से जान डाले हो कि का चीज होते ससुराल में। और ससुराल के अगर अत्यधिक प्यार अगर हमला मतलब हमन ला जो भी लड़की अगर ससुराल जाही तो वो मनला अगर मिलते तो वो हा अपन ससुराल के साथ ससुराल वालों के साथ में ऐसे मतलब जैसे मैं रहे हो वैसे झन रहे में कबर के वो तो फिल्म में देखे ना मिली तो ये चीज सही है कि ससुराल वालों ससुराल के तो ठीक है, लड़की अगर मायके से ससुराल चल देती है तो वहाँ पे ओला अतिक माया मिलने के बाद में अगर वो ससुराल छोड़ के मायके में अगर जाके बैठ जाए तो गांव वाले साथी में एरिया मोहल्ले वाले साथी में घर के लोग भी भले ही वो तीन दिन चार दिन और महीना भर अगर सहले लड़की को लेकिन ज्यादा दिन वो ओला अपन घर में नहीं रह सके, काबर के वो शादी के बाद अपन घर के हो जाते मतलब अपन ससुराल के हो जाते। जी बिल्कुल, लेकिन ये फिल्म की ये अच्छा बातें अगर आप मन के दृष्टिकोण से देखे जाए तो आप मनला एक बहुत ही समझदार ससुर मिले हैं जो कि आप मनला सपोर्ट कर रहे हैं, ससुर भी और सास भी और पति भी। Actually, तो जब सबको ये अच्छा है तो फिर आखिर दिक्कत कौन में रहता है? इतना गुस्सा में कहे नजर आए हो उमर की तमोला कुछ कहते तो मैं सही लेते हूँ लेकिन मोर सहेली मल्ला कहे इसे कही दी, इतना गुस्सा में कहे नजर। पहली बात तो ये है कि पूरा ससुराल में मोला बाकी परिवार तो बहुत अच्छा रहते लेकिन जो वहाँ के दृश्य रहते दृश्य बोले तो एक एक चूल्हा में फूफा करना मतलब अच्छा वो कहेगा मतलब है कि मुर्गा खाए के बाद लौकी खाए की इच्छा नहीं होते जी। अच्छा। काबर के एक जब बड़े घर के लड़की आते तो ओला चूल्हा फूकला ओला एसी चाहिए जी, ओला पूरा फैसिलिटी चाहिए, विलासिता के पूरा साधन चाहिए, ओला मिलते नहीं, गाय गोबर के काम नहीं करने वाली अपन मायके माँ और आके फिर हर एक चीज ला अपन ससुराल में करता पहरा उठाना ये करना वो करना हर चीज तो ये चीज थोड़ा सा अनकंफर्ट लगते मोला। हाँ। मैं अपन आपला वहा वो सब चीज में ढाल नहीं पाया एक हर से थी फिर और वही सब चीज में अचानक से इधर मेरी जो बुआ बनी है उपासना वैष्णव जी। अच्छा। वो हा बस फोन में ऐसे झन करे ऐसे ऐसे ये है वो अच्छा। मतलब हर एक चीज भड़कात रहते और वही भड़कावे में और फिर उसी साथ में मोर सहेली मन आ जाते और जो आप मन बता रहे हो कि भाई वो मन बोले रहे से मोला मोर सास ला ससुर ला मतलब हर पूरा परिवार ला और घर वर ला भी देख के तो वो सब चीज देख के भी फिर अचानक से मोर पति हा डांट देते करण जी हा के ऐसे सहली ये है वो है ये सब चीज तो उसी सिचुएशन में फिर मैं हाँ एकदम गर्म हो जाता हूँ और फिर भी मैं भड़क जाता हूँ काबर भड़क तो काबर की मैं हाँ जवान लड़ा देता हूँ और वही जवान लड़ाते समय करण जी हा मोर पर हाँ वैसे भी प्रकाश जी कहा थे घर के बुजुर्ग जिन लड़का मन ला अपन ससुराल में जाके घर के जो सियान मन रहते वो मतलब ऐसे शिक्षा देना चाहिए कि बेटा तो जात है तो वो घर ला स्वर्ग बना देवे फिर जैसे वो बुआ के काम करे उपासना वैष्णव जी वो निगेटिव रोल में ओला राष्ट्रपति अवार्ड मिले माया फिल्म और मिसेस 19 फिल्म और फिल्म मिसेस के रोल करे उपासना जी तो निगेटिव रोल में वो जबरदस्त दिखते तो वो कहा है कि वो एकदम ऐसे लगते रियली बोला थे वही बात में मैं आने वाला रहा हूँ प्रदीप जी कि ऐसे देखे जाते कि जब एक लड़की ससुराल जाते तो ओला थोड़ा एडजस्ट करे में थोड़ा सा समय लगते है लेकिन कई बार ऐसे होते कि एक ऐसे कैरेक्टर उखर जीवन में आ जाते जो ओला भड़काए के काम करते तो अगर समझदार लड़की रही थी तो समझ जाते और अगर समझदार नहीं रही तो फिर वो घर जो है वो टूट जाते हैं तो वो वैसे लड़की प्रॉब्लम में आते जिन कान के कच्चा रही थी अपन विवेक से काम करी ना जिन लड़की समझदार रही तो अपने विवेक से काम करी जिन कान के कच्चा रही तो घर में जाके सही परिवार बिगड़े परिवार बदल दे
तो ऐसे हो जाता है, तो वही चीज मौसम हुए है और मैं कान के कच्चा रहे हो रहते हो ये पिक्चर में। नहीं वैसे वैसे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे अच्छा नेचर के है, वैसे फिल्म में नहीं दिखते ऐसे। देखे जाए तो वो सबको सोनाली सहारेला जानते हैं कि बहुत ही एकदम हसमुख लड़की है, टिकटॉक में आत रही थे और एकदम लोगन के मनोरंजन करत रही थे, बीच बीच में आके सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। और रही बात उपासना वैष्णव की, तो पूरा जग जाहिर है कि उपासना वैष्णव का ना सोनाली सहारे के कैसना संबंध है। जी बिल्कुल एकदम माँ बेटी जैसा संबंध है हमारे, बट फिल्म में तो एकदम अजीब मतलब भड़काने वाले एकर संग तो माँ बेटी के संबंध ऐसे बोली। अब मैं 19-20 फिल्म कर ले हूँ तो वो तो मोर फिल्मी भाई है ना, मिसेज है। ये बात तो है, वो का है लगभग हर दो फिल्म के बाद वो आप मन के वाइट के कैरेक्टर में रहते हैं। अब बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, कमाल के एक्ट्रेस है, उपासना जी कमाल के एक्ट्रेस है। सोनाली बात कर वो ये फिल्म के संगीत के बारे में, तो बहुत ही सुग्घर संगीत है, सुमधुर आवाज है गायक मन के जी जी। और खासकर जो एक गाना है लिखे दे हो तोर संग ना, तो वो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। हाँ जी, ओखर बारे में कुछ जानना चाहिए दर्शक जी जी। संगीत तो सुनील सोनी जी के है, बहुत ही अच्छे संगीतकार है। और गाना है लिख दे हो जिंदगी तोरना गुइया रे गुइया। बिल्कुल बिल्कुल आपन सहयोग दे सकते हैं। गुइया रे गुइया, ये वो तो गुइया गुइया रे गुइया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही अच्छा गाना है, कर्मा गीत है और ये दर्शक मनला साथ ही आप मनला भी बहुत पसंद आए हैं। तो और ये गाना टिकटॉक में नंबर 1 चला थे, एक हर व्यू 14 लाख से ऊपर गए है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये। और दर्शक मन इतना पसंद करते थे कि गाना के साथ साथ पिक्चर भी दर्शक मन ला बहुत पसंद आई। नहीं बिल्कुल, कहे मैं ये नाम से एक जिक्र कर रहा हूँ, कहे कि अभी जो मैं समझ पाता हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बार तो ऐसे होते कि एक गाना ही यहाँ पूरा पिक्चर लहिट कराए में योगदान दे देते। आपन समझा तो मैं काकर बारे में बात कर रहा था। तो अब ये पूछना चाहता हूँ मैं प्रदीप जी, ये जो फिल्म है उखर आखिर शूटिंग कहाँ कहाँ हुए है, कहाँ कहाँ लोकेशन है? ये फिल्म के टोटल शूटिंग शिवरी नारायण के आसपास 50 किलोमीटर गांव में हुए। अच्छा। और बहुत मैं तो देखो मैं शिवरी नारायण नाम बहुत सुना था, मैं ससुराल के बहाने से मैं शिवरी नारायण चल देव, बहुत कला प्रेमी है और मोर तो दिल बोलते ना, ये हर परिवार की कहानी है ससुराल, हिट हुई पिक्चर। जी बिल्कुल हिट हुई और अभी तक तो ऐसे है कि पूरा दर्शक मन ट्रेलर ला भी बड़ा पसंद करा थे, गाना ला भी बड़ा पसंद करा थे। तो जैसे ही पिक्चर ये रिलीज आई हो ही बड़े पर्दा में आई, तो बिल्कुल दर्शक मन के इला मया दुलार मिल ही। तो ये सोनाली मैं जानना चाहता हूँ कि आप मन ससुराल गए हो, बड़े घर से गए हो, तो जैसे कि बताया अभी थोड़ी देर पहले गोबर ओबर भी उठाना पड़ा था इसे, तो ये सब के अनुभव कैसा रहे इसे? बिल्कुल एक बड़े घर के ऐसे बोले जाते ना पापा की परी जी, जी, तो पापा की परी है वहां पर चले गए हैं। तो पापा की परी मोर पापा के रोल करे है ललित उपाध्याय सर, और बहुत ही अच्छे है एक्टर भी और मेरे पापा के रोल भी बहुत बेहतरीन करे हैं। तो बस अपन पापा के साथ में मतलब इतना अच्छे से रहते मैं यहाँ, और अपन मैके माँ इतना अच्छे से रहने के बाद में जब मैं ससुराल जाता हूँ तो वो सब चीज करने में मोर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रही थे कवर के रियल लाइफ में तो नहीं करे हो मैं यहाँ गोबर ओबर के काम लेकिन लेकिन ससुराल में जाने के बाद में ये सब चीज करने के लिए मोला बहुत मजा आई, और करते समय ये भी महसूस हुई कि नहीं रियल लाइफ में अगर मिली तो मोला कर भी पड़ी तो बस ठीक है अच्छी लगी। और खासकर जो मोर काम है क्या क्या करे हो मैं यहाँ, तो वो सब चीज भी आप मल्ला जरूर पसंद आई। जी बिल्कुल प्रदीप जी, हमन सुने हैं कि आप मन एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हव, बहुत कम दर्शक मन जानत हो कि प्रदीप जी स्टैंड अप कॉमेडियन घलो है, तो हमार दर्शक मन बिल्कुल ओकर नमूना देखना चाहिए कवर की स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए प्रदीप जी है मिमिक्री भी करते हैं, तो बिल्कुल आज ओकर नमूना पेश हो जाए आज News 36 के स्टूडियो में। सबसे पहले News 36 ला मैं पूरा टीम ला बधाई देता हूँ नवा साल के और
हमार फिल्म के प्रमोशन करे बार ससुराल के और हमार ससुराल जरूर रहो आप मन जी बिल्कुल हां और देखे लाबो की सुनाली कृष्णा काम कर जी बिल्कुल मिमिक्री का मैं बचपन से करता हूं पता नहीं कहां पर भगवान की कृपा है कर ले तो थोड़ा सा शौक है तो आप मन बोले हो ता जेन जेन परिवार के मनखे मन हमारे ससुराल में जाके देखी ना ओकर बिहानिया कैसे हो जाई मन कैसे होई ये देखो थोड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ बोलना होगा तो जैसे ससुराल फिल्म आ जाए देखी ना और दूसरे दिन सुबह बिहानिया उठी ना तो ओला ऐसे टाइप की आवाज सुनाई दी भाई बिहानिया बिहानिया और उकर बिहानिया बहुत सुगर हो गई कैसे कैसे पशु पक्षी के आवाज अपन निकाले हो जबरदस्त बेहतरीन तो अब संगवारी हो बिरा हो गए है एक छोटे से ब्रेक ले के जब ब्रेक के बाद वापस लहुटबो तो ओखर बाद फिर आप मनसो भेंट कराबो जो ससुराल टीम के कुछ औ अन्य कलाकार हैं ओखर मनसो फिर ब्रेक लेहे से पहली मैं चाहता हूँ प्रदीप जी सोनाली जी हमार जो दर्शक है उमन ला अपन अपील कर दो अपन स्टाइल में कि कैसे उमन ससुराल फिल्म ला देखे बर चावे भैया हाँ छत्तीसगढ़ के जम्मो जनता मल्ला जन सिनेमा प्रेमी है मोला माया दे प्यार दे और मैं अते फिल्म में काम कर ले हूँ अगर जनता जनता जनार्दन के माया नहीं रही तो एक कलाकार तुच्छ है गौन है अगर कोनो वैल्यू नहीं है ऐसे माया दे है और ऐसे माया दे भर तीन तारीख के काली 3 जनवरी के काली हमारे फिल्म ससुराल लगा थे आप मन देखो और अगर अपन ससुराल में हो तो ससुराल के पास में नजदीकी सिनेमा घर में हमारे फिल्म लगे ससुराल देखो और मैं फिल्म के निर्माता मदन कारा जी और सागर केसरवाले जी और फिल्म के निर्देशक प्रभाष मानिकपुरी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मजे कलाकार लेकर फिल्म बनाए और आगे दर्शक मन के आशीर्वाद मैं दुलार रही बस यही उम्मीद है और आप मन देखो जय जोहार मैं आप मन से अपील करना चाहता हूँ कि 3 जनवरी के मतलब काली हमारे पिक्चर रिलीज होते मतलब आप मन के पिक्चर रिलीज होते ससुराल हाँ जेन ला देखे बर आप मन जरूर आओ काबर के आप मन ला भी बहुत पसंद आई नोक झोंक से लेकर के हर एक चीज और जितना मैं अभी अच्छे दिखाता हूँ वो मैं बुरी दिखू तो प्लीज आप सभी मन सबो जन मन जरूर आओ देखे बर तो 3 तारीख के रिलीज होते काली ससुराल मूवी जय जोहार जय छत्तीसगढ़ चलो तो सबो झल्ला झारा झारा नेवता है लगत है ससुराल फिल्म आप मन के नजदीकी सिनेमा घर मा तो सबो जन लइका सियान सबो जन जावा और बढ़िया फिल्म के आनंद लाओ तो संगवारी हो छोटे से ब्रेक पर रुका था आप मन स्टूडियो में आए हो एकर लिए इतना सुघर गुड बात करे हो एकर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद छोटे से ब्रेक पर रुका था ब्रेक के बाद तुरते लौट गो स्वागत है आप मन के और संगवारी हो जैसे कि हम आप मन ला कह रहे हैं कि ब्रेक के बाद जब वापस लहुटबो तो ससुराल फिल्म के कुछ औ कलाकार मनसो आप मन के भेंट करवाबो तो यही कड़ी में अब हमर संग ससुराल टीम के कुछ औ कलाकार मन मौजूद है हमर संग है एक बेहतरीन विलन खूंखार विलन मैं कहूँ अजय पटेल और संगे संग मौजूद है टीकम ठाकुर तो आओ उखर गना गुड बात शुरू कर था अजय बहुत जबरदस्त कैरेक्टर में आप मन नजर आते हो बहुत अच्छा बॉडी वॉडी बनाए हो बहुत करण खान ला बहुत दिक्कत के सामना करे ला पड़े थे कौन तरह की तैयारी आप मन करे हो फिल्म के लिए तैयारी देखिए तैयारी तो
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर ने ही कर ली थी कि इसको ऐसा रोल देना है और ऐसे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो बस उसी में अब इनको लगा कि अच्छा है अजय तो दिया फिर और बस। नहीं लेकिन एक होते ना कि जब कोई व्यक्ति वो कैरेक्टर की तैयारी करते हैं, जब वो पता रहते कि ये तरह के कैरेक्टर है तो हर हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते, जैसे कि ये फिल्म के लिए आप मतलब आओ खूंखार दिखना रही तो बहुत बॉडी वॉडी ये सब आप मन बनाया हो। बॉडी बनाना तो खैर मैं बहुत पहले से ही स्टार्ट कर लिया था, 2008 से ही मैं बॉडी बना रहा हूँ, लेकिन इसकी तैयारी स्क्रिप्ट की हो चुकी थी लेकिन बॉडी की मैं बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं इसको बता दूं कि एक दिन पहले मैं बीमार था। अच्छा। और अगले दिन मेरा सूट था और वो शर्टलेस सूट था जो कि 8 बजे स्टार्ट हुआ और बहुत दिक्कत हुआ लेकिन किया जी। तो कहे का मतलब ये है कि भले ही एकदम विकट परिस्थिति रही से अजय पटेल हार नहीं मानी से और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आई से ट्रेलर के माध्यम से नजर आते हैं। हमारे संग टीकम भी मौजूद है। टीकम आप मन के कौन तरह के कैरेक्टर है पिक्चर में? सबसे पहले जय जोहार संगवारी हो, मोर कैरेक्टर है पिक्चर में मोर और करण भाई के गुरावट शादी हो। मतलब मोर जो वाइफ बने हैं वो प्रगति जी करण खान जी के बहनी है और जो करण खान जी के वाइफ है वो मोर बहन है सोनाली सहरे जी। तो पहले ही गांव में जिसे चले कि गुरावट बिहाव हो जाए वही टाइप के थीम ला लेके करेंगे पिक्चर की गुरावट शादी है, दो घर के शादी होते और दो परिवार के बारे में पूरा पिक्चर में बताया गया है। अच्छा। नहीं लेकिन का है ना कि जैसे आप मन बता था गुरावट बिहाव ला लेकिन लोगन के मन में बहुत ज्यादा शंका रही थे, ऐसे तो प्रयास करते कई जन की गुरावट बिहाव करे के जरूरत ही ना पड़े, खबर की ऐसे देखे जाते कि अगर मोर बहनी लंग अगर कुछ समस्या आते तो फिर ओखर बहनी लंग भी समस्या आएगी। पहली पिक्चर के हिसाब से बताऊं तो फिर ये समस्या हमारे पास आए है एक बार। अच्छा। वो तो मैं पूरा पिक्चर में ही देखो आप मन तब समझ आए, एक छोटे से बता देता हूँ कि पिक्चर में करण ट्रेलर में दिखे ना कि जिसे करण खान जी है सोनाली ने हमारे घर छोड़ देते तो ओकर बाद उपासना जी जो मोर बुआ के कैरेक्टर करे है वो मोला बोलते कि जब हमारे घर के बेटी हमारे घर है तो ओकर घर के बेटी हमर घर काबर रही, बोला ओकर घर छोड़ के आ जाके के तो एक टोल मटोल हो जाते गुरावट शादी में। और पुराना जमाना में तो गुरावट शादी होबे करे, अभी भी मोला याद है मोर बुआ और मोर बड़े पापा दोनों। अच्छा। के गुरावट शादी हुआ है ऐसे? हाँ। क्या बात है, तो गुरावट शादी हो है लेकिन ये है कि अपन आपसी सामंजस्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपन कैसे रिश्ता ला संजो के आपमन रखे हो। बात करी आप दोनों जन के बारे में तो हमला ये पता चले कि आप दोनों जन यही फिल्म ले डेब्यू करा था जी, जी। कैसे अनुभव रहे से अपन पहला पिक्चर के? अनुभव बहुत अच्छा रहा, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन सारे बूढ़े मजे हुए कलाकार हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, काफी कुछ सीखने को मिला। पुष्पेंद्र सर मेरे पिता का रोल है। अच्छा। का इसमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी सपोर्ट मिला, खूब मोटिवेट किया उन्होंने कि ऐसा ऐसा बोलना है। क्लाइमेक्स में सोनाली मैडम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, एक्सप्रेशन वगैरह करण सर ने काफी सपोर्ट किया, तो मतलब मिलजुल कर काफी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं लगा कि मैं बिल्कुल नया हूँ। और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सागर सर, मदन सर, प्रदीप सर, दारा सर का जिन्होंने इतना बेहतरीन कैरेक्टर मुझे दिया, तो दिक्कत नहीं हुई बहुत पहला पिक्चर डेब्यू के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगी से। बाकी फर्स्ट डे रही से शूट, फर्स्ट डे शूट पे हमारा सीन ही से एक बालकनी वाला तो ओखर लिए बहुत जन सपोर्ट करी से कि बार बार सलीम अंसारी चाचा जो बोलते ना करू है कका वो सर मतलब बार बार प्रैक्टिस कराए कि ऐसे हो ही ऐसे डायलॉग डिलीवरी दे। और प्रभास सर बहुत ज्यादा हेल्प करे बॉडी मूवमेंट। प्रभास सर के सबसे खास चीज ये लगे कि वो पहला डायरेक्टर हो ही जो अपन बॉडी मूवमेंट के बारे में बताए कि बॉडी मूवमेंट से भी आदमी कुछ बोल सकते घर के। और बाकी पुष्पेंद्र सर तो खैर मैं गुरु जी से ही मानता हूँ कवर की वही मोला सब चीज बताए। पुष्पेंद्र सर एक चीज जो बताए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि लुक, कभी कभी हमन ना कोई एक्ट करत करत फंस जाते हैं। अच्छा। वो चीज से बाहर नहीं निकल सका तो ओखर से बाहर निकले तरीका बताए तो वो बहुत अच्छा लगे। फिर निर्माता निर्देशक सबके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सागर सर जिन मोला मौका दी, मदन कहरा जी और
कौशिक सर सब ऑडिशन ली, फिर एक बार मौका दी, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सबके सहयोग रही थे तभी तो कोई व्यक्ति है काम कर पाते हैं। आप दोनों जन का नाम, और एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है, आप दोनों जन के ब्याह हो गएगा? मेरा हो गया। आप हो गया। तो दरअसल बात ये है, अपन की फिल्म के से रिलेटेड ही बात है, फिल्म की थीम ही है ससुराल में जब एक लड़की जाते तो बहुत सारा परेशानी के शुरू में वाला सामना करे पड़ते, नया जगह से वो आते एडजस्ट करे में टाइम लगते है। लेकिन अजय मैं आपन से ये जानना चाहता हूँ कि जब एक लड़की शादी होके आते तो एक पति लभी कौन तरह की सावधानी रखे ल पड़ते ताकि आपसी सामंजस्य बने रहे, घर टूटे ना, आपन अनुभवी हो तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाओ। ये पिक्चर में आपको देखने को बहुत बहुत अच्छा मैसेज है ये। और हाँ बिल्कुल, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक पराए घर पे नए परिवार में, तो उसको जाहिर सी बात है बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है। और हुआ, हमारा भी थोड़ा होता ही है वो हर अच्छा अच्छा की कहानी है वो होगा ही, लेकिन हाँ समझना खुद को होता है, मिलकर चलना और रिश्ते को बनाना खुद के ऊपर है, तो फिर हमारी कोई तकलीफ नहीं। आज हमारी 11 महीने की बच्ची है। अरे और क्या बात। और मैं एक मजे की बात बताऊं कि ये इस मूवी में ही क्लाइमेक्स में ही मेरी बेटी का जन्म हुआ। अच्छा। 11 जनवरी को क्लाइमेक्स हो रहा था शूट और उसी दिन उसका जन्म भी हुआ। क्या बात है। तो ये एक कुछ अंश हुए जो पहलू है जो कोनोला नहीं पता है, वो इंटरव्यू के दौरान निकल के आगू आवत है। तो ससुराल जो फिल्म है 3 जनवरी के रिलीज हुआ थे, आप मन जम्मो जन बढ़िया जावा होकर आनंद लो, लेकिन अब जाए के बेरा हो गए है। आप दोनों जन से मैं चाहूँ कि एक बार दर्शक मन से अपील हो जाए जो मन जावा और बढ़िया ये फिल्म ला, अभी तक जो मया दुलार मिलते आए है छॉलीवुड इंडस्ट्री ला वैसे ही एहू ला मिले। जैसा कि नाम से ही सामने है ससुराल, माँ बेटी का प्यार है, बाप बेटी का प्यार है, पति पत्नी का प्यार है, उसी प्रकार एक प्यार है विलन का जो कि ये 3 जनवरी कल के दिन देखने को मिलेगा। और वो प्यार उस विलन को किस हद तक कहाँ तक लेकर जाता है तो आप लोग देखना ना भूलिए ससुराल 3 जनवरी। 3 जनवरी को हमारे पिक्चर आते है, अजय भाई है, मैं हूँ, बहुत मंझे मंझे कलाकार है, करण खान जी है, पुष्पेंद्र सर है, ललित उपाध्याय है, प्रदीप शर्मा जी है, इतना मंझे हुए कलाकार आते है, तो आपो मल्ला आना है और एक बार तो कम से कम हमारे मल्ला आशीर्वाद देना है। तो आप जम्मो संगवारी मल्ला भाई बहनी मल्ला झारा झारा न्योता है कि आप मन आओ और हमला अपन माया दुलार दो। जी बिल्कुल, माया दुलार मिल ही तो संगवारी हो। आज हमारे संग आए रही है ससुराल फिल्म के कलाकार मन, उनका कना गोल्ड बात करें, बड़ सुघर लगे से आप दोनों जन कना भी गोल्ड बात करें, माँ बहुत सारा ऐसे बात पता चली से जो शायद कोई लोग पते ही नहीं रहे से कि इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यू के दौरान जो हमन जो बात निकल गया इसे, तो मैं कई ठो बात ऐसे रही से जो जो पिक्चर के दौरान अपन शूटिंग करे हो है ना, कौन तरह के परेशानी के सामना करे ले पड़े से, जैसे कि एक दिन पहले इतना बीमार रहे से भाई है और बाद अगला दिन आके शर्टलेस परफॉर्मेंस देवा है, क्या बात है। तो संगवारी हो, अक्का सुघर मेहनत करे गए है, पूरा हमला उम्मीद है कि ये जो पिक्चर है आप मतलब बहुत पसंद आई, तो नजदीकी सिनेमा घर में जावा बिल्कुल एला मया दुलार देव। तो आज के हमारे पहुना कार्यक्रम में आज बस अतकेश, अगले कड़ी में एक नवा पहुना संग आप मन से भेंट करवाबो, तब तक मोला दो विदा, जय जोहार जय जोहार।